दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल और वीआई अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और एक्सपेंशन करने के लिए चाहिए हजारों करोड़ों। तो यहाँ पे जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल और वीआई फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, पैसा मार्केट से यहाँ पे उठा रहे हैं। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का दोस्तों फंड रेज करने की प्लानिंग की है, जिसका पहला ट्रंच दोस्तों इनको मिल चुका है। ऑलमोस्ट 5,246 करोड़ का फंडिंग यहाँ पे इनको मिल चुका है। क्या है दोस्तों न्यूज़, किस तरह से एयरटेल अपने फंडिंग को अंजाम देगा, किस तरह से एयरटेल अपने 4G प्लस नेटवर्क को पूरे भारत में एक्सपांड करेगा, किस तरह से वो जियो को ठोकेगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो, एयरटेल, वीआई तीनों में 205 चलते रहता है बेस्ट नेटवर्क देने के लिए। तीनों ही कंपनी कमेंट करती है कि हम नंबर वन नेटवर्क है, फास्टेस्ट नेटवर्क है। वो तो आप ही मुझे बताएंगे कौन बेस्ट नेटवर्क है। लेकिन फिलहाल दोस्तों बात कर ले जाए तो यहां पर नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए जियो, एयरटेल, वीआई तीनों ही कंपनी नए नए टावर्स लगा रही है, एक्सपेंशन कर रही है, नया स्पेक्ट्रम परचेस कर रही है। वीआई और एयरटेल की बात करो तो दोनों ही कंपनी दोस्तों फंडिंग जुटा रही है मार्केट से। वीआई की फंडिंग के बारे में तो मैं समय समय पर आपको बताता हूं, लेकिन भारतीय एयरटेल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 21,000 करोड़ की फंडिंग करने वाला है भारतीय एयरटेल, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों राइट्स इश्यू के थ्रू दोस्तों यस अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको दोस्तों इश्यू के थ्रू यहां पे शेयर देके दोस्तों यहां पे जो भारतीय एयरटेल यहां पे अच्छा खासा पैसा जुटाने वाला है, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़, जिसका पहला ट्रेंच यहां पे आ चुका है। देख सकते हैं स्क्रीन पे, भारतीय एयरटेल रेजेस ₹5,246, ऑलमोस्ट 5,246, ऑलमोस्ट 5,250 करोड़ बोल सकते हैं, 5,500 करोड़ समथिंग दोस्तों यहां पे जो है करोड़ इन फर्स्ट रेंच ऑफ 21,000 करोड़ राइट इशू, 21,000 करोड़ का राइट इशू दोस्तों यहां पे उठाने वाला, जिसके अंदर 5,246 करोड़ यहां पे भारतीय एयरटेल ने ले लिया। और 21,000 करोड़ की बोर्ड ऑफ मेंबर जो है इनके, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि आप 21,000 करोड़ मार्केट से उठा सकते हैं। इस चीजों के लिए बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। इस 21,000 करोड़ को दोस्तों यहां पे लाने वाला, जहां पे अभी बात कर ली जाए तो यहां पे जो शेयर होंगे, यहां पे करोड़ों शेयर है जो ऑलमोस्ट ₹133 के हिसाब से दोस्तों एप्लीकेशन दी जाएगी। और यहां पे भारतीय एयरटेल ने 5,246 करोड़ का पैसा यहां पे मार्केट से ले लिया है। 21,000 करोड़ टोटल यहां पे आएगा। इस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या होगा, इस 21,000 करोड़ से भारतीय एयरटेल क्या करेगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले 4 साल तक तो पैसा इसको कुछ चुकाना नहीं, मोरेटोरियम इसने ले लिया है AGR का प्लस डिफर्ड स्पेक्ट्रम का, मतलब सरकार को इसने बोल दिया कि 4 साल तक मैं मोरेटोरियम लूंगा और 4 साल तक कोई पैसा सरकार को देना नहीं है। अब ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो रेस किया जा रहा है, फंडिंग जुटाई जा रही है, ये पैसा इसके नेटवर्क को सुधारने के लिए। भारतीय एयरटेल नेटवर्क ओवरऑल मेरे हिसाब से जियो से थोड़ा अच्छा ही यहाँ पे है पूरे भारत के अंदर, लेकिन एयरटेल उस नेटवर्क को और भी ज़्यादा पावरफुल करना चाहता है, अपना 4G प्लस नेटवर्क जो है, Pre-5G मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज करता है, जिसमें 100 MBPS की स्पीड लोगों को देखने को मिलती है भारत के अंदर, उस स्पीड को, उस नेटवर्क को पूरे भारत में एक्सपांड करेगा, गांव-गांव तक लेके जाना चाहता है। उसके लिए पैसा चाहिए और ये पैसा वहां जाएगा जहां पे भारतीय एयरटेल पूरे भारत में अपने हजारों नए टावर्स और नया स्पेक्ट्रम को डिप्लॉय करेगा और अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन यहाँ पे करने वाला। और अगले साल दोस्तों 5G की नीलामी होने वाली है और 5G की नीलामी के लिए भी पैसा चाहिए स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए। तो ये पैसा दोस्तों 5G के स्पेक्ट्रम को परचेस करने में भी एयरटेल यहाँ पे यूज़ करेगा और अपना 5G भारत के बड़े बड़े सिटी के साथ साथ ग्रामीण विस्तार में भी दोस्तों एयरटेल यहाँ पे जबरदस्त स्पीड के साथ लाने वाला है। तो ये थी सबसे बड़ी खबर, जहाँ पे एयरटेल की जो 21,000 करोड़ की फंडिंग है दोस्तों, उसके अंदर 5,500 करोड़ यहाँ पे उसको मिल चुका है। आने वाले टाइम में बाकी का पैसा पूरा मिल जाएगा, जिस पैसे से वो यूटिलाइज करके अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा पावरफुल करेगा। वीआई और जियो जैसी कंपनी को यहां पे अपने नेटवर्क के बदौलत, अपने नेटवर्क के दम पे दोस्तों यहां पे बीट करने वाला। मुझे बताइए दोस्तों आपको एयरटेल का नेटवर्क कैसा मिलता है, मुझे ही बताइए। फिलहाल आपके एरिया के अंदर कौन सा बेस्ट नेटवर्क है, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, कौन आपको बेस्ट सर्विस देता है, नीचे कमेंट करके जो बताना। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जो दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाना से आप हमारे VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिए घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज घंटे के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना वीडियो को, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।